हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने QBase 5 में अलग अलग टाइप के बेसलाइन पैटर्न कैसे बना सकते हैं, जिनको टोइंग पैटर्न बोलते हैं, तो वो आप अपने QBase 5 में कैसे बना सकते हैं। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आए, तो चलिए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको BPM सेट कर लेना है, जिस BPM में आप अपना बेसलाइन पैटर्न बनाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका ट्रैक होगा उस ट्रैक का जितना भी BPM होगा उस BPM के ऊपर आप अपना यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना एरिया जितना हमें यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि बेसलाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बीट बना के यहाँ पर दिखाऊँगा। ये किक है, यहाँ पर किक है, स्नेयर है, परक्यूशन से क्लेप्स है, ये सब कुछ लगाने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इस पर आप अपना बेसलाइन पैटर्न कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे और एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं पूरा, अगर एक देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दोस्तों एक वन बार हो जाता है, ठीक है, वन बार हो जाता है। यहाँ पे वन बीट टू बीट होता है, ये दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट आएँगे बीट पर, यहाँ पर बार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दूसरे लेयर में चला जाता है, यानी कि दूसरे बार में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ बीच में नहीं रुकेगा, पूरा तीसरे पे पहुँचाया, दूसरे पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे बीट पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वन बीट टू बीट थ्री बीट फोर बीट पे दोस्तों सेट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर दोस्तों ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करूँ यूज क्वांटाइज की, तो इसका भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या इसका यूज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे छोटे लाइन दिखेंगी यहाँ पर दोस्तों, ये दोस्तों सेट हो जाता है, ठीक है। तीसरा वाला अगर आप सेट करेंगे यूज क्वांटाइज, तो यहाँ पे दोस्तों हम आ जाते हैं बीट पे और यहाँ पे हम किक का पैटर्न यहाँ पे ले लेते हैं और फिर क्लेप्स का लेंगे, स्नेयर का लेंगे, परक्यूशंस का लेंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप बेसलाइन पैटर्न यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किक को ले लिया हूँ दोस्तों, ये सिंपल किक है, डीजे किक मैंने यूज नहीं किया हूँ, जो सिंपल रिदम बनाने के लिए यूज किया जाता है वही यूज किया हूँ। ये दोस्तों हमारा हेड बेसिक है, परक्यूशन से छोटा सा यूज क्वांटाइज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको ले नहीं चलूँगा, एक एक करके मैं आपको बीट बनाना बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज नहीं करूँगा, भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार में मैंने वीडियो को पॉज करके रिदम बना दिया था, उसके बाद में मैंने ट्रैक बनाया, म्यूजिक बनाया था उसमें, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा तरह से तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किक आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, स्नेयर आप अपने अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बीट अच्छा लगे उस हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो आप दूसरी किक पे लगाइए या फिर चौथी किक पे लगाइए, वो आपके ऊपर है किस टाइप का आपका रिदम आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत तरह का स्टाइल होता है रिदम बनाने के लिए। अब यहाँ पर चलिए हम परक्यूशन ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट किक पे यहाँ पे परक्यूशंस लगेगा, फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा जो तीसरा किक है, तीसरा किक पे हमें हमारा परक्यूशंस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे क्लेप्स का, तो क्लेप्स भी आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे लगाना है, दूसरी किक पे आपको लगाना है और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी चौथी किक आती है वन बार में, जो चौथी किक होती है उस पर आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। बाकी आप इसका जो साउंड है आप यहाँ पर धीमा कर सकते हैं अपने अनुसार, पहले इसको आप सेट कर लीजिए, एक ट्रैक बना लीजिए, फिर आप इसका अप डाउन लेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका जो रिदम है यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बना लेना है, अब इसको आप सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा नोट यहाँ पे आगे पीछे हो चुका है, इसको हम सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पे बेसलाइन का पैटर्न आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि बेसलाइन पैटर्न कैसे बनाते हैं। यहाँ पे किक थोड़ी जी हमारी आगे पीछे हो गई थी,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो किक है बिल्कुल लेवल पे ही बिठे। अगर बीट पे नहीं होगा आपका किक तो बिल्कुल सुनने में बिल्कुल बेकार लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे आते हैं बेसलाइन पैटर्न बनाने के लिए। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में यहाँ पे हम नेक्सस प्लगइन से ले लेते हैं, बहुत सारा है यहाँ पे, जैसे प्रोटी बी एस टी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों नेक्सस प्लगइन्स लूँगा। नेक्सस प्लगइन्स की मदद से मैं बेसलाइन पैटर्न यहाँ पे बनाना आपको बताऊँगा। वैसे दोस्तों मैं FL में बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं QBS 5 में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सेट कर सकते हैं, बेस आप सेट करना है, प्रेसेट। यहाँ पे बहुत सारे प्रेसेट है, जो भी आपको प्रेसेट अच्छा लगे उस प्रेसेट को आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करेंगे लाइन बन जाएगी, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपका नोट पैड आता है यहाँ पे बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बेस लाइन बनाना है। अब दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है, लाइन का ऑप्शन देख सकते हैं फर्स्ट वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे जहाँ पे रखेंगे तो आपका यहाँ पे नोट एक बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं बीट में जो सेट कर रहा हूँ उसी बीट पे आपको बनाना है, तब आपका बेस लाइन पैटर्न यहाँ पे बनेगा, वरना आपका बेस लाइन पैटर्न यहाँ पे दोस्तों बनेगा नहीं, बिल्कुल अनवेट लगेगा, ठीक है, सुनने में बिल्कुल बेकार लगेगा। चाहे तो इसको पूरे में आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे में पेस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कटोस लेना है आपको, यहाँ से दोस्तों आपको कट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाहे तो आप इसको रिपीट करके यहाँ पे पूरे आप पैटर्न में इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेसलाइन पैटर्न एक फर्स्ट तरीका बन चुका है, सुन सकते हैं इसको। तो दोस्तों आप यहां पे सुने कि इस तरह का आप जो बेसलाइन पैटर्न है मैंने आपको बताया हूं कि किस तरह से बना सकते हैं। यहां पे दोस्तों बहुत सारे प्रेसेट हैं, जो भी प्रेसेट आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो भी टोन आपको अच्छा लगे वो टोन आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका बेसलाइन बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरे टाइप का अगर बेसलाइन पैटर्न बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे आप, वो भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो चाहे तो दोस्तों आप इनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको आना है, लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे आपको एक टिक लगा देना है, तो आपका एक नोट बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बज रहा है, इसको थोड़ा सा एक आगे बढ़ाएंगे, अब इसको सुनिए। तो दोस्तों सुनने में अच्छा लग रहा है, इस सबको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पे, इसको हम एक बीट थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे की तरफ यहाँ पे। तो ये हमारा बन चुका है, फिर यहाँ पे लेंगे यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। दूसरा भी हमारा बन चुका, तीसरा। अब यहाँ फिर डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं इसको एक बीट और आगे बढ़ाएंगे। अब ये बिल्कुल हमारा पैटर्न बन चुका है, ठीक है, इसको भी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों इस तरह का आप अलग अलग टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बेसलाइन पैटर्न यानी कि टोइंग बीट पैटर्न आप आसानी से बना सकते हैं अपने रिदम बनाने के लिए, ठीक है, QBS 5 में। यहाँ पे नेक्सस प्लगइन से भी बना सकते हैं, प्रोटी बी एस टी प्लगइन से, तो उसकी मदद से भी बना सकते हैं। कोई भी प्लगइन्स हैं उसमें बहुत सारे प्रेसेट दिए रहते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसकी मदद से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्सस प्लगइन्स था, और भी दोस्तों तरह तरह के आप बेसलाइन पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है, अपना रिदम बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, ये जो हमारा नेक्सस प्लगइन्स है, अगर इसकी जगह पे अगर आप कोई दूसरा बी एस टी लेना चाहते हैं जैसे प्रोटी बी एस टी प्लगइन्स है, तो उसका ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दोस्तों वेज गिटार के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेज आपको मिल जाएंगे बेसलाइन पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। सो सुन सुन कर जो भी अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो
तो दोस्तों इसका भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रेसेट है, लेकिन कोई खास है दोस्तों BST नहीं है, लेकिन जो मेन BST है दोस्तों ये है नेक्सस प्लगइन्स, इसकी मदद से बहुत सारे स्टूडियो वाले बेसलाइन पैटर्न बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बेसलाइन पैटर्न बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीख सकें।